तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस यानी गृह विज्ञान के पूरे सिलेबस के बारे में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो जिन भी स्टूडेंट यानी कि जिन भी छात्राओं की परीक्षा गृह विज्ञान यानी होम साइंस की है, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। उनको ये वीडियो से हेल्प मिलेगी कि जो आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो पेपर होगा आने वाले दिनों में, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहाँ पर आएंगे और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि सिलेबस जो आपका है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस से ही क्वेश्चन बनेंगे, इस बात को आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी रहेगी, महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो उनके बारे में जानकारी होगी, तो आपके समस्त जो क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको ज़रा सा भी समस्याएँ नहीं आएँगी, ठीक है, क्योंकि आपने पहले उसको देख रखा, पहले ही समझ रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम सिलेबस की ओर। सब्जेक्ट आपका जो है गृह विज्ञान होम साइंस है, वर्ष आपका फर्स्ट है, सेमेस्टर आपका फर्स्ट है। प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड होम एंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का नाम। सबसे पहले हम आ जाएंगे यूनिट नंबर ए मन की ओर, यानी कि जो सिलेबस है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का, वो 8 यूनिट यानी कि 8 चैप्टर 8 टॉपिक्स में डिवाइड है। मतलब आप चाहे यूनिट बोलिए, चाहे टॉपिक्स बोलिए, फिर चैप्टर बोलिए, है एक ही तीनों चीज़, ठीक है। और ये 8 यूनिट में डिवाइड है, इन्हीं 8 यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है इंग्लिश में है, और आप लोगों के लिए मैंने इसको हिंदी में तैयार कर लिया है ताकि आप लोग अच्छे समझ सकें और हम आपको अच्छे समझा सकें, इसलिए पूरे सिलेबस को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। ये देखो इंग्लिश है, नीचे देखो हिंदी है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट यूनिट में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं हम आपको बताएंगे। तो पहला है पारंपरिक गृह विज्ञान और वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता, ठीक है। तो पारंपरिक गृह विज्ञान के बारे में तैयार कर लेना है, वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता क्या है गृह विज्ञान की, इसके बारे में ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पारंपरिक गृह विज्ञान के बारे में बताइए और पारंपरिक गृह विज्ञान वर्तमान युग में प्रासंगिकता की विशेषताएँ बताइए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है कि भारतीय गृह यानी कि भारतीय जो गृह हैं वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया योगदान, यानी कि जैसे कि बहुत सारे हमारे देश में लेखक हैं, कवि हैं हिंदी के, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र यानी कि समाजशास्त्र में बहुत सारे जो अलग अलग विद्वान हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है कि समाजशास्त्री हैं, ये राजनीतिज्ञ हैं, उसी तरह भारतीय यानी कि होम साइंस में भी बोला जाता है गृह वैज्ञानिक, ठीक है। तो गृह वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया योगदान जो कि दिया गया है एम स्वामीनाथन के द्वारा कि दिया गया है, सी बी गोपालफन के द्वारा दिया गया, ये सब आए थे, और एच के डे रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब जो है इन सभी लोगों का योगदान है, ठीक है, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के क्षेत्र में। तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वामीनाथन, सी बी गोपालन और एच के डी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला यूनिट आ गया 2, तो यूनिट नंबर 2 में आपको कोशिका एवं पाचन तंत्र, श्वसन एवं हृदय प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कोशिका एवं पाचन तंत्र में डिफरेंस बताइए, श्वसन यानी कि सांस एवं हृदय यानी कि हृदय जो होता हार्ट, इस दोनों में डिफरेंस बताइए। पहला तो कोशिका एवं पाचन तंत्र में विशेषता उनको बताइए, अंतर कोशिका और पाचन तंत्र में अंतर, और दूसरा है श्वसन एवं हृदय प्रणाली में अंतर, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे भी होंगे, अगर आपने पिछले साल का मॉडल पेपर उठाया होगा, और नहीं भी उठाया तो अब उठा लीजिए और देखिए क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। अब आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 3 की ओर, यूनिट नंबर 3 में आपको खाद्य और पोषण, ठीक है, यानी कि खाद्य दिखाने वाली चीज़, पोषण मतलब आपका जो परफेक्ट एक शरीर है, ठीक है, उसकी ह्यूमिनिटी है, पोषण। तो खाद्य और पोषण में आप लोगों को पोषण भोजन में अर्थ बताना है, इसका वर्गीकरण करना, कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, और इसके कार्य बताइए, ठीक है, किसके, खाद्य और पोषण के, पोषण की अवधारणा क्या है, और पोषक तत्व जो है पोषक तत्व के अंतर्गत आप लिख सकते हैं स्थूल एवं सूक्ष्म और स्रोत एवं कमी से होने वाले रोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट नंबर 3 से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खाद्य और पोषण में डिफरेंस बताइए, खाद्य और पोषण भोजन का अर्थ बताइए, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, इसके कार्य बताइए, ऐसे विभिन्न तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 4 की ओर, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा खाना पकाने की विधियाँ, खाना कैसे कैसे बनाया जा सकता, बहुत सारी अलग अलग विधियाँ हैं, और उन विधियों
के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाना पकाते समय पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, अनुकरण, किण्वन, खाद्य तालमेल आदि हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ये जो है खाना पकाने की विधियाँ अलग अलग हैं और उस खाना पकाते समय पोषक तत्व का संरक्षण अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों से आज भोजन बनाएंगे या फिर खाना बनाएंगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट नंबर 4 से आपको इसमें से कुछ टॉपिक्स समझे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 5 की ओर। यूनिट नंबर 5 में आपको मानव जीव विकास का परिचय, यानी कि मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआती कैसे हुई, उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में लिखना, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और इसी के अंतर्गत मानव की अवधारणा के बारे में लिखना, मानव की अवधारणा क्या है, मानव की परिभाषा क्या है, मानव के अध्ययन की आवश्यकता, यानी कि किसी चीज़ की जानकारी लेना, उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगला है कि विकास के डोमेन, चरण और संदर्भ, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, तो विकास के निर्धारक, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में लिखना है, यानी कि मानव विकास का तो परिचय तैयार कर लेना है, ठीक है। मानव की अवधारणा के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परिभाषा एवं अध्ययन की क्या ज़रूरत है भी पढ़ सकते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख ठीक है आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कई बार परीक्षा में, मतलब कि आपको कई बार हेल्प भी मिली होगी, आई होप, जब वार्डल पेपर आप हल करके जाते हैं तो आपको कई बार हेल्प मिली होगी आपके एग्ज़ाम, मतलब कि जब भी आपका पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट है कि 6 कि प्रसव पूर्व विकास और जन्म प्रक्रिया, गर्भाधान, गर्भावस्था और प्रसव, जन्म के चरण, तो इनके बारे में आपको तैयार कर लेना थोड़ा थोड़ा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में फंसेगा, पक्का नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रसव विकास क्या है, जन्म प्रक्रिया में गर्भाधारण क्या है, गर्भावस्था क्या है, प्रसव क्या है, ठीक है। तो यह संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है कि प्रसव के प्रकार, प्रसव के प्रकार के अंतर्गत प्रकृति, ठीक है, सी सेक्शन, बीच, घरेलू बनाम, सहायता प्राप्त डिलीवरी, तो ये है आपका ध्यान रखना है यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद नवजात शिशु की शारीरिक बनावट की क्षमताएं बताइए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसव पूर्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है, थीके? तो दोनों के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई बार रिपीटेड भी हैं। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था, शैशवावस्था और प्री स्कूल के दौरान विकासात्मक कार्य अवस्था के बारे में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ टॉपिक्स, और आप इनका टॉपिक्स तो हमारे वीडियो से पढ़िए, साथ साथ में इनका टॉपिक्स एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको रेट भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने रेटिंग का है, ठीक है। और साथ साथ में इस बात को और ध्यान रखेंगे, जैसे शैशवावस्था और प्री स्कूल के बीच संबंध बताइए, ठीक है, और प्री स्कूल के दौरान विकासात्मक जो टास्क होते हैं, कार्य होते हैं, उनके बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। शारीरिक और मोटर विकास के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के बारे में डिफरेंस बताइए दोनों में, दोनों का संबंध कैसा है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ठीक है, संज्ञानात्मक और भाषा विकास से जुड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में डिफरेंस बताइए। तो यूनिट नंबर 7 से जुड़े इस प्रकार के टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और यूनिट नंबर आपका जो 8 है, इसमें प्रारंभिक बचपन, यानी कि जिसको प्री स्कूल बोलते हैं, वर्ष प्रारंभिक बचपन के दौरान विकासात्मक कार्य, ठीक है, और फिर शारीरिक और मोटर विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक और भाषा विकास, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। ये टॉपिक्स हैं, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के बारे में बताइए, शारीरिक और मोटर विकास के बारे में डिफरेंस बताइए, संज्ञानात्मक और भाषा विकास क्या है, इसमें अंतर बताइए। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक्स हैं। आशा है कि 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, एक बार वीडियो देखने से अच्छे से समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो 2-3 दिन आप लोग
वेट करना होगा, उसके बाद जल्द ही मैं आप लोगों के समस्त इन सभी जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी के क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो और साथ साथ में महासंग्राम वीडियो, फिर महासंग्राम रिवीजन वीडियो, तो इन सभी की हम आप लोगों को, ठीक है, तो इसी प्रकार तैयारी कर लीजिएगा। बाकी मॉडल पेपर भी प्रस्तुत करेंगे, कैसा मॉडल पेपर आता है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए कौन से इंपॉर्टेंट साबित हो सकते थे, सब जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। और ध्यान रखना है, आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमने थोड़ा फास्ट सिलेबस कवर कराया क्योंकि वैसे भी आपको जानकारी हो गई कि भाई यहाँ से प्रश्न बनेंगे और ये टॉपिक्स है, ये सिलेबस है, ठीक है। बाकी अगर आप यही जानकारी आपको मिल गई अच्छे से तो और आपको बहुत ही बढ़िया, जब भी पेपर होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।